इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राजधानी के शिवदासपुरा में बदमाशों की ओर से पेट्रोल डालकर युवक को जलाने के मामले में पीड़ित विकास की मौत हो गई है। बड़वाड़ी ढाणी वाटिका निवासी विकास पर बदमाशों ने 4 अप्रैल को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था, जिसमें वो करीब 80% तक झुलस गया था। आपको बता दें कि जिसके बाद उसे SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई है। पीड़ित ने पुलिस को दिए अपने बयान में 3 आरोपियों के नाम बताए हैं। आपको बता दें कि जो अभी तक भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां गंभीर रूप से झुलसे युवक की अब मौत हो गई है। SMS में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है इस युवक ने। 4 अप्रैल को बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया था, और उसके बाद SMS अस्पताल में इसको भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई है। अपने बयान में इस युवक ने 3 आरोपियों के नाम भी बताए थे, जो अभी तक भी पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां गंभीर रूप से एक झुलसे युवक की मौत हो गई है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। SMS अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से बता रहे हैं आपको, जहां 4 अप्रैल को बदमाशों ने पेट्रोल डालकर एक युवक को आग के हवाले किया था, जिसकी अब मौत हो गई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादविंदर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादविंदर, बताएं क्या कुछ था पूरा मामला। देखिए लवीना, मैं बता दूं कि 4 अप्रैल की ये पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है शिवदासपुरा थाना इलाका पड़ता है, वहां पर तितरिया जो गांव है वहां की जो घटना है। यहाँ पर जो पूरा जो मामला है वो ब्याज से जुड़ा हुआ है, पैसे के लेन देन को लेकर के पूरा विवाद था। यहाँ पर जो मृतक है जो विकास, वो यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था। उसने 1 लाख रुपए की जो रकम थी वो 3 जो व्यक्ति है, 3 जो आरोपी जो नामजद है, उनसे उसने उधार ली थी। तो वो लोग उसके, वो भी 20% रुपए का जो ब्याज था उस पर उन्होंने रकम ली थी, लेकिन उसके बाद इनके बीच में आपस में समझाइश हो गई थी और 4 लाख रुपए थे जो पीड़ित परिवार की ओर से यहाँ पर 3 आरोपियों को दे दिए गए थे। लेकिन जो आरोपी थे वो कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए की रकम मांग रहे थे, तो 3 लाख रुपए के पीछे इन लोगों ने यहाँ पर जो मृतक है विकास उसका यहाँ पर किडनैप किया और उसको जंगल में ले जाकर के उसके ऊपर यहाँ पर पेट्रोल उड़ेल दिया। इस घटना के बाद यहाँ पर जो 80% तक है ये जो मृतक है विकास वो झुलस गया था। उसके बाद यहाँ पर SMS अस्पताल के अंदर उसका इलाज चल रहा था और यहाँ पर कल देर रात उसने दम तोड़ दिया। लेकिन तबीना सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मामला सामने आने के बाद पीड़ित की ओर से यहाँ पर जो मृतक था विकास उसकी ओर से भी बयान दिया गया था कि यहाँ पर जिन लोगों ने उसके ऊपर पेट्रोल डाला है, नामजद मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस ने शिवदासपुरा थाना पुलिस उसने कार्रवाई नहीं की है। उनके जो पिताजी है, पिता है मैं कह रहा हूँ मृतक विकास का, वो लगातार थाने के चक्कर काट रहा है पिछले 7-8 दिन से, लेकिन उसके बाद है जो थाना है जो पुलिसकर्मी है वो उसकी बात पर कहीं गौर नहीं कर रहे हैं, ना उसकी कोई सुनवाई कर रहे हैं। और आज जब उसकी मौत हो गई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ के जो गांव वाले हैं, वो सारे के सारे आक्रोशित है। उनका साफ कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है और वो लगातार जो आरोपियों की लगातार जो वहाँ पर जो रसूख के चलते वहाँ पर जो मदद कर रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो अब जब पूरा जो मामला मौत से जुड़ गया है, चूंकि इतने दिनों बाद इसका इलाज चल रहा था और इतने दिनों में आज जाकर के उसकी मौत हुई, तो कहीं ना कहीं पूरे गांव के अंदर यहाँ पर आक्रोश रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के। बिल्कुल यादविंदर, इस युवक ने 3 आरोपियों के नाम भी बताए थे, फिर भी इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके लिए क्या प्रशासन की चूक बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बहुत सनसनीखेज मामला है। एक युवक के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसको आग लगा देना और उसके बाद आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार नहीं करना। यहाँ तक जो मृतक जो विकास है उसकी ओर से बयान भी दिया गया था जलने के बाद, जिन 3 आरोपियों को यहाँ पर उन्होंने नामजद मामला दर्ज कराया था उन तक यहाँ तक पुलिस ने उनसे पूछताछ भी करी, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया। और अब जब पुलिस हमारी यहाँ पर जो DCP जो साउथ है हमारी योगेश दादी, जो उनसे भी बातचीत थी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के तथ्यज्ञान में आया उनके, उसके बाद वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गए। अगर यहाँ पर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो आरोपी यहाँ पर फरार नहीं होते, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाता, क्योंकि मामला बड़ा संगीन था। पेट्रोल डाल करके आग लगा देना और यहाँ तक कि गवाह भी मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है यहाँ पर पुलिस की, पूरे प्रशासन को के ऊपर भी यहाँ पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल जी अरविंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे थे, जो SMS अस्पताल में एक युवक की मौत हो गई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।